गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? बड़ी सारी डिमांड है और किस चीज़ के लिए डिमांड है? डेल्टा हेजिंग, डेरिवेटिव में डेल्टा हेजिंग से इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन के लिए डिमांड आई है कि सर क्वेश्चन तो भी हमने रट्टा मार लिया, डेल्टा हेजिंग होता क्या ये तो समझा दूँ आप। ठीक है, तो अब बाइनोमियल में ही मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आज मैं लेकर आया हूँ आपसे एक इम्पॉर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है डेल्टा हेजिंग। हम लोगों को करना क्या होता है, बाइनोमियल आपको याद होना ज़रूरी है। बाइनोमियल में मैंने आपको पढ़ाया होगा, एक पढ़ाया होगा रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच। दूसरा अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेल्टा हेजिंग, या इसको बोलते हैं रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच। और एक है बाइनोमियल में ही वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने का और एक तरीका है, और जिसका नाम है रेप्लिकेटिंग पोर्टफोलियो अप्रोच। तो हम बात अभी कर रहे हैं जो इस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया हुआ है, डेल्टा हेजिंग। और इस बार जबकि आप वीडियो देखोगे ना, तो मैं भी आपके साथ में ही देखूंगा, मैं कमेंट सेक्शन में आप जितना चाहे उतने क्वेश्चन पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, और मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो टॉपिक का नाम तो लिखते हैं, मेरे साथ साथ लिखोगे बच्चों, डेल्टा हेजिंग। या इसी को क्या बोला जाता है, रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच। अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बाइनोमियल में रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच आपने किया होगा, अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको डेल्टा गामा थीटा वेगा इसका भी नॉलेज होना जरूरी है तो वैसे, पर अब चलो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, तो मान लो सर हमको कुछ नहीं आता, कोई कुछ भी नॉलेज नहीं है, कोई रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच कुछ नहीं, आप बस समझा दो बात खत्म। चलो बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन तो समझते हो ना भाई? हाँ सर, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हम लोगों को आता है, थैंक गॉड। कॉल ऑप्शन कब एक्सरसाइज होगा? जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तभी तो लोग कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। पुट ऑप्शन कब? जब शेयर का प्राइस कम होगा। चलो तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, आखिर डेल्टा हेजिंग है क्या? ये लो भाई, ये एक पर्सन, सर नाम क्या है उसका? राम, हमारा कैरेक्टर फर्स्ट। ओके सर, तो राम आज शेयर का प्राइस कितना है? आज शेयर का प्राइस कितना लेते हैं? शेयर का प्राइस आज है, शेयर का प्राइस 510 रुपये। ठीक है, आज शेयर का प्राइस 510 रुपये, और एक्सरसाइज प्राइस कितना है? एक्सरसाइज प्राइस 3 माह बाद का, और ये है 500 रुपये, और ऑप्शन का नाम मैं लिख देता हूं कॉल ऑप्शन। ठीक, अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे आंसर चाहिए। क्या मुझे कॉल ऑप्शन में खरीदता हूं? ठीक है, अगर मैं आज की बात करूं, हालांकि कॉल ऑप्शन 3 महीने बाद का मुझको खरीदना है, लेकिन आज की बात कीजिए, आज है एक्सरसाइज प्राइस 500 रुपये, और कॉल ऑप्शन में अगर मार्केट प्राइस ज़्यादा है तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया जाता है, ये तो हमको अच्छे से पता है। क्या कॉल ऑप्शन अब भी एक्सरसाइज करना तो क्या किया जा सकता है? यस। और कितने का पे ऑफ दिख रहा है? 10 रुपये ग्रॉस पे ऑफ, 10 रुपये का फायदा दिख रहा है आपको, आप इसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते थे। तो अगर मेरी बात अभी मुझे कॉल ऑप्शन में फ़ायदा है कि नहीं है, है, और अभी एक्सरसाइज करूँ तो मुझे 10 रुपये का फ़ायदा होने वाला है, पे ऑफ। हालांकि मुझे अभी एक्सरसाइज नहीं करना है, 3 माह का है तो अभी तो टाइम है, बाद में सोचेंगे। ओके सर, तो मैंने क्या किया बेटे, मैंने कहा मैं कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है, कॉल ऑप्शन खरीदूंगा और इंतजार करूंगा। कम से कम मुझे कॉल ऑप्शन के लिए प्रीमियम कितना, प्रीमियम देना पड़ता ना, प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, तो चलो वो भी लिख देता हूँ मैं, कि वो जो प्रीमियम आएगा, प्रीमियम
और प्रीमियम देना पड़ रहा मुझे मान लो 35 रुपीज़। सिर्फ 35 रुपीज़ क्यों बेटे, 10 रुपए तो इंट्रेंसिक वैल्यू का हो गया, और अभी तो समय है ना, टाइम है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता, तो उसके लिए भी तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा, 10 रुपए ये और 25 रुपए टाइम वैल्यू। सर जी ऑप्शन का अच्छा खासा नॉलेज चाहिए तभी डेल्टा हेजिंग समझ में आएगा। ओके सर, 10 रुपए हमने 35 रुपए प्रीमियम और मैंने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। कितने रुपए में कॉल ऑप्शन खरीदा? 35 रुपीज में कॉल ऑप्शन खरीद लिया। ठीक है यहां तक? ओके सर, अब सुनना। अच्छा सर, कॉल ऑप्शन खरीद लिया मींस, समझा रहा हूं मैं। हाँ सुनोगे, कितने रुपए में मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा? 35 रुपये पे कर चुका हूँ और 35 रुपीज़ में मुझे ये रिसिप्ट मिल चुकी है। वाओ, और मैं बहुत खुश, ये रिसिप्ट मिल गई मुझे। कितने रुपए में मिल गई? 35 रुपीज़ में। मैंने 35 रुपये दे दिया। मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूँगा? मैं भगवान से ये प्रार्थना करूँगा शेयर का प्राइस बढ़े। शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मुझे तो फ़ायदा होने वाला है, हालांकि अभी लॉस है, पर ठीक है। 35 रुपीज़ मैं पे कर चुका हूँ किस चीज़ का? कॉल ऑप्शन। ठीक है सर, अब क्या हुआ? अब आगे समझना। धीरे से शेयर का प्राइस अगले दिन 520 रुपये हो गया। वाओ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, 520 रुपये। मैंने कहा थैंक गॉड, और बढ़े क्योंकि मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा। अब कोई मेरे पास आता है, बोलता है अच्छा आपके पास रिसिप्ट है कि? मैंने कहा हाँ ये रिसिप्ट है, और शेयर का प्राइस तो बढ़ना चाहिए और बढ़ ही रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। बोले ये रिसिप्ट मुझे बेच दीजिए। मैंने कहा अब 35 रुपये मैं नहीं बेचूंगा, अब थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लूँगा। इट मीन्स सीधी सी बात है, शेयर का प्राइस बढ़ने से ऑप्शन की वैल्यू भी तो बढ़ेगी कॉल ऑप्शन में, यही तो हमने पढ़ा हुआ है। और बढ़ी, पर ज़्यादा से नहीं बढ़ी, 35 रुपये की जगह कितना हो गया? 40 रुपये। ठीक है यहाँ तक? ओके सर, सर शेयर का प्राइस बढ़ा तो ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ा। फिर शेयर का प्राइस अगले दिन और कितना हो गया? 530 रुपये हो गया। तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू जो रिसिप्ट था ना, उसका भी तो वैल्यू बढ़ेगा। अगर कोई मुझसे, मैंने कहा यार अब की बार तो मुझे 45 दे दीजिएगा। यहाँ तक ठीक है सर? इसका मतलब बेटे, अब ध्यान से समझना, मैं बाकी फैक्टर को इग्नोर कर रहा हूँ। इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है 10 रुपए से, तो ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ती है 5 रुपए से। बिल्कुल सर, अगर शेयर का प्राइस बढ़ा कितने से? 10 रुपए से, तो ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, प्रीमियम अमाउंट भी बढ़ेगा 5 रुपए से। इसका मतलब ये हो गया सर, ये जो आपके पास रिसिप्ट है इसकी भी तो वैल्यू बढ़ेगी। हाँ, तो अब मेरे दिमाग में आया, अब आपको सोच समझ के बोलना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये भाई साहब जो राम है ना, ये अब परेशान है, और क्यों परेशान है ठीक से समझना। हाँ जी, बेटे अब सुनोगे, ये सर ये क्या चीज़ है बेटे? ये है शेयर। शेयर कितने रुपए का शेयर था? 510 का, 510 का। और ये क्या है? यह कॉल ऑप्शन कितने का? 35 का। तो अब यार मुझे ये समझ, राम को ना टेंशन में आ गया, यार इसका मतलब है राम कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए कि शेयर खरीदना चाहिए? क्योंकि हो क्या रहा है, शेयर अगर शेयर बढ़ रहा है कितने से? 10 से, तो ऑप्शन जो है प्रीमियम वो भी बढ़ रहा है, लेकिन अब कितने से बढ़ रहा है? 5 रुपए से। इसका मतलब सर अगले दिन शेयर खरीदने पे 10 का फायदा होगा, पर ऑप्शन खरीदने पे सिर्फ 5 का फायदा होगा। कितना पैसा लग रहा वो भूल जाओ, सर यहां तो ज्यादा पैसा लग रहा है, यहां कम लग रहा, वो बाद में डिस्कशन होगा। अभी बताओ, शेयर खरीदता हूं मैं तो कितने का फायदा? 10, जबकि ऑप्शन खरीदता हूं तो कितने का फायदा? 5। बढ़ ही तो रहा, उसके अगले दिन शेयर खरीदने पे कितने का? 10, जबकि ऑप्शन खरीदने पे सिर्फ कितने का फायदा? 5। तो इन दोनों को क्या इक्वल किया जा सकता है? पे ऑफ को क्या इक्वल किया जा सकता है? हाँ सर, एक काम करो ना सर, शेयर पे कितने का फायदा? 10, जबकि इस पे कितने का फायदा? ऑप्शन पे, कॉल ऑप्शन पे कितने का फायदा? 5। तो सर एक काम करो,
आप जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन वो एक मत खरीदो, वो दो खरीद लीजिए। इट मीन्स आपके पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, दो, ये मान लो इसको डबल कर देते हैं, ये दो ऑप्शन हो गए, तो अब तो बराबर हो गया। चाहे आप एक शेयर खरीदो, चाहे आप दो कॉल ऑप्शन खरीदो, एक जैसा पे ऑफ आएगा। हाँ, या फिर और एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है और ये शेयर है, आधा शेयर खरीद लो, ये लो आधा कर दिया। अब ठीक है सर, आधा शेयर बेटे हमारे एफएम में पॉसिबल है, अब बराबर हुआ ना? हाँ सर, अब बराबर हुआ। इसका मतलब है कि एक कॉल ऑप्शन से जितने का पे ऑफ आएगा, आधे शेयर से भी उतने का पे ऑफ आएगा। हाँ भाई हाँ, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का मूवमेंट सेम हो जाए, ऐसा कुछ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सर सीधा सीधा बोलो, सीधा सीधा यहीं से दिख रहा है सर, इसका मतलब ये समझ में आ गया, ध्यान समझना। जिस शेयर अगर एक रुपए से बढ़ता है, शेयर का प्राइस अगर एक रुपए से बढ़ता है, तो ऑप्शन का जो वैल्यू है, प्रीमियम है, वो 50 पैसे से बढ़ता है, ये मतलब हुआ। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हो गया सर कि फ्यूचर में आधा जितना शेयर बढ़ेगा, ऑप्शन का वैल्यू उसके आधे ही बढ़ता है जी। तो आधा शेयर और एक कॉल ऑप्शन क्या इक्वल है? जी। तो सर इसको क्या हुआ? इसी को तो डेल्टा बोलते हैं बेटे, इसी का नाम है डेल्टा, चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम के वैसे वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की वैल्यू में कितना चेंज हो रहा है? 5 रुपए, जबकि शेयर के प्राइस में कितने का चेंज हो रहा है? 10 रुपए। इसी को बोला जाता है डेल्टा। अब बीटा भी बोलते हो आप, सर डेल्टा का कुछ फॉर्मूला बन सकता है कि? जरा सोच के देखते हैं, डेल्टा का कुछ फॉर्मूला बन सकता है कि? डेल्टा, डेल्टा का फॉर्मूला बन गया चेंज इन ऑप्शन, ऑप्शन वैल्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन शेयर प्राइस। इट मींस यहां कितने का चेंज? 5 रुपए का ऑप्शन की वैल्यू में, और यहां कितने का? 10 का, तो 0.5 आ गया। क्या डेल्टा का मीनिंग बता सकते हो? अभी कोई भी बता देगा आराम से। डेल्टा का मीनिंग क्या हो गया? 1 रुपए से अगर शेयर का प्राइस चेंज होगा, तो ऑप्शन का वैल्यू 50 पैसे से चेंज होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोगों को इस चीज के, मैंने अभी डेल्टा निकालने का मतलब समझ में आया। हाँ, डेल्टा से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश किया कि दोनों इक्वल पे ऑफ कैसे बनाया जाता है, यहां तक ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटे, अब मैं बाइनोमियल पे आ रहा हूं, ध्यान से समझोगे। ये लो 500 कितना था यार? 10। बाइनोमियल क्या बोलता है? बाइनोमियल बोलता है कि दो ही प्राइस पॉसिबल है आज से, जब भी 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जो भी पीरियड है। मैं 1 साल ले लेता हूँ, 1 साल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो आज से 1 साल बाद दो प्राइस पॉसिबल है, या तो शेयर का प्राइस 600 रुपये हो सकता है, या तो शेयर का प्राइस 400 रुपये हो सकता है। यही पढ़ते थे, बायनोमियल का यही एजम्पशन था। इसको आप क्या बोलते थे सर? इसको बोलते थे हम US, और इसको क्या बोलते थे? DS। 600 रुपये भी हो सकता है, 400 रुपये, मतलब शेयर के प्राइस में चेंज हो सकता है। लेकिन अब समझने की कोशिश करना, क्या ये मैच्योरिटी डेट है? हाँ। अब अगर मेरा कहता हूँ कॉल ऑप्शन है, और कॉल ऑप्शन में हमने ये पढ़ा था कि अगर 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 प्राइस बढ़ेगा तो ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे, तो क्या यहाँ ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? यस। और कॉल का पे ऑफ CU बोलते थे, कितना आ जाएगा यहाँ? 100 रुपये। और अगर डाउन होगा शेयर का प्राइस तो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ तक ठीक है? हाँ सर, यहाँ तक तो ठीक है। अब बेटे अब समझोगे, शेयर के प्राइस में चेंज है, कितने रुपए का चेंज है? 200। तो क्या ऑप्शन की वैल्यू में भी चेंज है? हाँ सर है, कितने का? 100। तो क्या डेल्टा निकाला जा सकता है? डेल्टा 100 डिवाइडेड बाय 200, तो कितना आ गया ऑटोमेटिक? 0.5। यही मैंने समझाया, डेल्टा का मतलब क्या हो गया? डेल्टा का मतलब अगर मैं सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो शेयर का प्राइस 1 रुपए से बढ़ेगा, तो ऑप्शन का वैल्यू 50 पैसे से बढ़ेगा। या दूसरी लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ, दूसरी लैंग्वेज में, कि एक शेयर और दो कॉल ऑप्शन दोनों इक्वल हुआ। या और एक लैंग्वेज,
एक शेयर नहीं, आधा शेयर और एक कॉल ऑप्शन दोनों सेम है। हाँ ये सही लैंग्वेज है। इसका मतलब मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, वन शेयर नहीं ले लेते, आधा शेयर, 0.5 शेयर इज इक्वल टू 1 कॉल ऑप्शन। यहां तक कोई समस्या नहीं है। ऐसा क्यों बोला मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको कुछ बोलने जा रहा हूं, हेजिंग का मतलब समझा रहा हूं। सर हेजिंग का मतलब क्या होता है, बस यही चीज समझाने जा रहा हूं। और अब हमारा कॉन्सेप्ट, एक बार कॉन्सेप्ट यहां घुस गया ना, फिर तो कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला, हम तो कर लेंगे। अब समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार कॉल ऑप्शन एक तो आप खरीद भी सकते हो, होल्ड कर सकते हो, या तो कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बाई वाला भी समझाऊंगा कॉल ऑप्शन खरीदने का भी, पर वो बाद में, मुझे तो पीएम के हिसाब से बात करनी, सबसे पहले तो वैसे कर लूं। मैंने क्या किया, कॉल ऑप्शन राइट कर दिया। राइट का मतलब सामने वाले से कहा कि यार प्रीमियम दीजिए, कितना दीजिए वो बाद में सोचेंगे, मुझे प्रीमियम दीजिए और बदले में आप कॉल ऑप्शन मुझसे खरीद लीजिए। और आपको कब फायदा होगा, आपको तब फायदा होगा जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना, और जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा मेरा लॉस होते रहेगा। सीधी सी बात है, शेयर का प्राइस कॉल ऑप्शन राइटर जो होता है ना उसका तो लॉस है, और शेयर का प्राइस बढ़ने से लॉस है, तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मुझे लॉस होगा। ठीक है, अब मैंने तो रख लिया प्रीमियम, पर मेरे मन में एक बात है यार, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, क्योंकि सामने वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, कितना रुपए है एक्सरसाइज प्राइस, 500 रुपए, अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा तो फिर तो मैं गया। अब मुझे डर है मैंने कॉल ऑप्शन राइट किया, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, डर है इस बात का कि कहीं शेयर का प्राइस बढ़ ना जाए। अब मैं करूं तो क्या करूं, और सिंपल हेजिंग का मतलब होता है जिस बात से डर है, जिस बात का डर है उस चीज को खरीद लो, जिस चीज का डर है उसी में बैटिंग करो ना। डर किस चीज का है, शेयर का प्राइस बढ़ने का, ना शेयर ही खरीद लो भाई, टेंशन खत्म करो। सर शेयर खरीदोगे तो, मान लो मैं शेयर खरीद के रख लेता हूं, कितना वो बाद में, मान लो मैंने शेयर खरीद के रखा, अब बताओ अब मैं भगवान से क्या प्रार्थना करूं। मैं भगवान से प्रार्थना, बस भगवान शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ जाने दो, आपको देना पड़ेगा सामने वाले का फायदा, आपका भी तो फायदा। इट मींस अगर मैं शेयर खरीद के रख लेता हूं तो मेरा क्या टेंशन खत्म हो गया, हाँ बढ़ जाने दो, बढ़ता है बढ़ जाए, सामने वाले का फायदा होगा क्योंकि उसके पास कॉल ऑप्शन रखा है, मुझे भी तो फायदा होगा क्योंकि मेरे पास शेयर रखा है। तो ये है हेजिंग, जिस बात का डर है उसी को मैं परचेस करके रख लेता हूं, टेंशन खत्म। सर कितना, अब समझने की कोशिश करना, मैं काम क्या करूंगा, बिल्कुल अब ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैंने 1 कॉल ऑप्शन राइट कर लिया, ठीक है, और क्या किया मैंने, आधा शेयर खरीद लिया। ये आधा शेयर, सर ये कहां से पता लगा आधा शेयर, बेटे ये डेल्टा से पता लगा मुझे, आधा शेयर मैंने खरीद लिया, चलो मैंने कहा खरीद लेते हैं ना, टेंशन खत्म। अब मैं सोच रहा हूं बेटे, अगर मैं आधा शेयर खरीदता हूं तो, अगर मैं आधा शेयर खरीदता हूं तो आज मेरे जेब से पैसा जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आज शेयर का प्राइस कितना है सर, आज शेयर का प्राइस है 510, तो उसका आधा शेयर खरीदूंगा तो पैसा तो जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा, वो बाद में सोचेंगे। अभी ये सोचो कि फ्यूचर में क्या, सर कॉल ऑप्शन मैंने राइट किया तो बदले में मुझे प्रीमियम मिलेगा, हाँ मिलेगा, पर ये सोचो कि फ्यूचर में क्या होगा, अभी का छोड़ दो, फ्यूचर में क्या होगा। मैंने कहा फ्यूचर में यार शेयर का प्राइस 600 रुपये भी हो सकता है और 400 रुपये भी हो सकता है। अब सोचते अगर 600 हुआ तो, और अगर 400 हुआ तो, ये दोनों चीज सोचना पड़ेगा आपको, अगर 600 हुआ तो क्या होगा, अगर 400 हुआ तो क्या होगा। तैयार हो, ऑनलाइन हो, मैं भी हूं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर 600 हुआ तो सामने वाले की खुशी का ठिकाना नहीं, वो बोलता वाओ कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। मैंने कहा कर लो भाई एक्सरसाइज, कोई दिक्कत नहीं एक्सरसाइज।
और एक्सरसाइज करके, क्योंकि 500 रुपये एक्सरसाइज प्राइस है, तो वो मुझसे कितना ले जाएगा? 100 ले जाएगा, मेरा 100 का लॉस, 100 का तो लॉस हो गया, बर्बाद। और अगर 400 हुआ तो वो एक्सरसाइज ही नहीं करेगा सामने वाला। तो मैंने कहा मेरे से तो कुछ देना नहीं पड़ेगा, जीरो। सामने वाला कब कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा? जब 500 से ऊपर पड़ेगा। यहाँ तक ठीक, इतना तो है, यहाँ एक्सरसाइज होगा यहाँ नहीं होगा। लेकिन मेरे, मैंने जो आधा शेयर खरीद के रखा था उसको मैं बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। अगर 600 रुपये हुआ तो 600 का आधा कितना होता है? 600 का आधा 300 रुपये मुझे मिलेगा। अगर 400 रुपये तो भी आधा शेयर बेचूंगा, हालांकि थोड़ा दुख के साथ बेचूंगा, मुझे 200 रुपये मिलेगा। किसी भी हालत में मेरा पे ऑफ 200, मुझे 200 रुपये तो फ्यूचर में मिलेगा ही मिलेगा। चाहे शेयर का प्राइस 600 रुपये हो, चाहे शेयर का प्राइस 400 रुपये हो, किसी भी हालत में मुझे आज से एक साल बाद क्या 200 रुपये मिलेगा? हाँ। मैंने कहा ओके, ये बात तो कन्फर्म है। रिस्क है कि रिस्क फ्री है? रिस्क फ्री, कोई रिस्क नहीं है बेटे इसमें तो। ओके सर, फिर तो अच्छी बात है। आज से अब मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने कुछ नहीं, अभी तो मैं यहीं खड़ा हूँ, आज मैं तो सोच रहा हूँ एक साल बाद क्या होगा। अगर मैं ये काम करता हूँ, मैं एक कॉल ऑप्शन राइट करता हूँ और आधा शेयर खरीदता हूँ, तो मैं सब कुछ अनुमान लगा रहा हूँ कि यार एक साल बाद 600 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, उसके अलावा तीसरा प्राइस हो ही नहीं सकता, बाइनोमियल का एजम्पशन है। अगर 600 हुआ, अगर 400 हुआ, तो किसी भी हालत में मुझे मेरे जेब में एक साल बाद तो 200 रुपये तो आना ही आना है। मैंने कहा ठीक, ये तो कंफर्म हो गया, कंफर्म है ना, रिस्क फ्री है, रिस्क फ्री। अब मैंने कहा अभी आज क्या होने वाला? मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अब देखते आज क्या लगने वाला। पहली बात तो सर जी, आज आपको आधा शेयर खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा चलो पैसों की अरेंजमेंट करते, आधा शेयर कितने, आज शेयर का कीमत कितना है? आज शेयर का प्राइस है 510 रुपये, तो आधा शेयर कितने का मिलेगा? 510 × 0.5, ठीक है, 510 × 0.5, चेक करते आधा शेयर, 510 × 0.5। मैंने कहा यार ये तो 255 रुपये खर्च हो रहे हैं, आज 255 रुपये खर्च हो जाएगी। अब पैसों का अरेंजमेंट कहाँ से करें? एक्चुअली ये मैं प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू बोलूँगा, आपके समझ में पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं कहता हूँ चलो यार आज 255 रुपये लगेंगे, ओके। पर 255 रुपये क्या मैं बैंक से उधार ले लूँ? मैंने कहा रुक जाओ, सामने वाले जो है, जिसको मैं कॉल ऑप्शन राइट कर रहा हूँ उससे भी तो थोड़ा बहुत तो पैसा लूँगा। हाँ सर, कितना लोगे? बस वही तो मुझे निकालना कि कम से कम कितना लूँ। मैं अब हिसाब लगा रहा हूँ, 255 रुपये मुझे लगेंगे, ओके, पर सामने वाले से मैं कुछ उधार भी ले लूँगा एक्स, और जितना कितना उधार लूँगा यही मुझे निकालना, ठीक है। ये बैंक तो सामने वाले से उधार नहीं लूँगा, सामने वाले से मुझे प्रीमियम का मिलेगा, और जो पैसा बचेगा मैं बैंक से उधार ले लूँगा। मान लो 10% रेट है, 10% के हिसाब से, तो बैंक वाले को एक साल बाद इतना रुपए देना पड़ेगा। बेटे आप इक्वेशन कहाँ से रीड कर पा रहे हो? 255 शेयर खरीदना है, कुछ प्रीमियम का आज ही मिल जाएगा, उसको काटो, बचा हुआ बैंक से उधार लूंगा, और बैंक वाले को 10% के हिसाब से रिस्क फ्री पे उधार लूंगा। मुझे मालूम है रिस्क है ही नहीं, 10% के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा, तो एक साल बाद मेरे जेब से इतना पैसा जाने वाला है, और आने वाला कितना है? 200 आने वाला है। क्या ये पक्का है इतना आएगा? हाँ सर आएगा, पक्का है, पक्का। क्या पक्का है इतना जाएगा एक साल बाद? पक्का है, ये रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बना रहा हूँ। तो क्या एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो? यस, एक्स की वैल्यू तो आराम से निकल सकती है कि मुझे प्रीमियम का, कॉल ऑप्शन के प्रीमियम का कितना पैसा वसूल करना है। मैं जल्दी से निकाल लेता हूं, 200 / 1.10 - 255, मुझे 73.18 सामने वाले से लेना पड़ेगा प्रीमियम के रूप में। और अगर सामने वाले से कम मुझे प्रीमियम के रूप में ऑप्शन की वैल्यू कितनी है? 73। और अगर सामने वाला 80 रुपये देता तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, यार आ जाने दो 80 रुपये, मेरा तो फायदा है। पर अगर सामने वाला प्रीमियम का कहता 60 रुपये ले लो, तो मैं कहता हूँ नहीं, कॉल ऑप्शन तो राइट ही नहीं करना 60 रुपये में भी। दिस इज़ वैल्यू ऑफ ऑप्शन।
आपको विश्वास नहीं होगा, रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से भी काम करोगे तो आंसर इतना ही आएगा, इतना ही आएगा सेम। तो सर ये तो बहुत ज़्यादा कुछ हो गया बेटे, कुछ है नहीं है ये सब ना, अभी मैं प्रॉपर प्रोसेस में क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपसे हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता, सबसे पहले हमें डेल्टा निकालना होता, डेल्टा ऑफ कॉल। जैसे ही डेल्टा ऑफ कॉल निकल गया तो फिर क्या करना, उसके हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमको कितना शेयर खरीदना है और कितने कॉल ऑप्शन राइट करना है। अब बच्चों के मन में और एक सवाल आ गया, सर कॉल ऑप्शन राइट ही क्यों, हम बाई भी तो कर सकते, ऐसा भी पोर्टफोलियो बना सकते, अपोजिट कर लो, आप एक कॉल ऑप्शन बाई कर लो और शेयर को शॉर्ट सेल कर लो, आंसर इतना ही आएगा। वो भी मैं करवा दूंगा, बच्चे कह रहे सर करवा दो, ठीक है सर जी मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन हमारे प्रैक्टिस मैनुअल की मैं बात करूं साफ साफ उन्होंने राइट किया है, तो हम भी कॉल ऑप्शन राइट ही करेंगे। हालांकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि ऐसे ही करना पड़ेगा, पर नंबर नहीं मिलेगा, नंबर काट लेगा इंस्टीट्यूट, और मैं नहीं चाहता कि आपके नंबर कटे, करना ऐसे ही पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले डेल्टा ऑफ कॉल निकालेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कितना शेयर राइट करना और कितना शेयर बाई करना और कितना कॉल ऑप्शन राइट करना। उसके बाद पे ऑफ निकालेंगे कि आज से एक साल बाद या छः महीने बाद कितना, अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो कितना पे ऑफ होगा, कम होगा, दोनों में इक्वल ही आता है, और उसके हिसाब से इक्वेशन बनाकर वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ पुट भी होता है, वो भी मैं सिखा दूंगा, पर अभी जो मेरा जो मेन टारगेट है बच्चों का, सिर्फ इतना कहना कि इस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था, लॉजिक क्या था, ये समझाइए, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है सर, तो सर इसका क्या करें, कुछ मत करो, अभी एक काम करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन, फिर इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन बना लेते हैं, हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक, कहाँ गया भाई ये एग्जाम्पल, मैंने आपके पास में रखा हूँ, ठीक से समझ रहा हूं। क्या दिया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस कितना दिया, 450 रुपए, मैक्सिमम प्राइस कितना 585, मिनिमम प्राइस कितना, मैक्सिमम प्राइस इसको हम क्या बोलते हैं जी, सर इसको हम US बोलते हैं, यस, और मिनिमम प्राइस को DS, हालांकि आपका C1 C2 लिखा है आपके, चल जाएगा इतना तो। एक्सरसाइज प्राइस ठीक है, कॉल ऑप्शन वगैरह ये आपको निकालना, तो आपको और एक चीज निकालना पड़ेगा, CU और CD, इट मीन्स अगर प्राइस बढ़ा तो एक्सरसाइज प्राइस कितना है जी, एक्सरसाइज प्राइस कितना 485। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर कैसे करते हैं मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला काम मेरे साथ साथ लिखोगे, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा, और डेल्टा का आपको फॉर्मूला पता है, यस, डेल्टा इज इक्वल टू US माइनस DS और क्या था, CU माइनस CD। ठीक है, यहाँ ना एक डायग्राम बना देता हूँ तो हमको दिक्कत नहीं होगी। आज शेयर का प्राइस कितना है जी, आज शेयर का प्राइस है 450। अगर मैं कहता हूँ आज शेयर का प्राइस है 450, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, कितना कितना दिया है, 585 एंड 385, 585 और यहाँ कितना जाएगा 385। ठीक है, तो ये US हो गया, ये DS हो गया, यहाँ जाएगा 585 माइनस 385। अच्छा, एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया है, चेक कर लो, एक्सरसाइज प्राइस है 450, यहाँ लिख देता हूँ, एक्सरसाइज प्राइस है 450, तो CU निकाल लेते कितना आएगा, नहीं 450 तो यार मार्केट प्राइस लिखा है मैंने, 485, तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ 100 का पे ऑफ और यहाँ 0 का, क्यों, क्योंकि ये कॉल ऑप्शन है, साफ साफ कहाँ लिखा है कॉल ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन आपको निकालना है। ठीक है सर, तो यहाँ जाएगा 100 और यहाँ जाएगा माइनस 0, देखते कितना आ गया, 5200 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना आ गया 0.5, दिस इज डेल्टा ऑफ कॉल। इस
इसकी ज़रूरत मुझे थी नहीं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने आपको बनाया था, बस बात खत्म। पहला काम होगा डेल्टा ऑफ कॉल, इसका मीनिंग भी लिख देता हूँ, दिक्कत नहीं होगी। चलो सर तुम मीनिंग लिखते हैं। डेल्टा ऑफ कॉल 0.5 मीन्स we write one call option and by 0.5 share to h। ठीक, एक call option आप राइट करो और खरीद लीजिए 0.5 शेयर। अल्टरनेटिव भी पॉसिबल था कि आप एक काम करो, दो कॉल ऑप्शन राइट कर लो और एक शेयर खरीद लीजिए, पर दोनों ही हैं, पर हम 0.5 के हिसाब से कर लेंगे। पीएम के हिसाब से मैं पूरा मैच करवाते चल रहा हूँ, ये काम तो हो गया। सर इसके बाद दूसरा काम क्या करना पड़ता है? चलो जी दूसरा काम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ, ये मेरे साथ साथ लिख लेना बच्चों, काम आएगा। कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ, पे ऑफ का मतलब ग्रॉस पे ऑफ की, मतलब पे ऑफ ऑन मैच्योरिटी ठीक है। तो दो कंडीशन है, अगर प्राइस कितना हो जाए ₹585 तो क्या होगा? एक डॉट मैंने यहाँ दे दी, अगर प्राइस हो जाए 585 तो बताओ बेटे आप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे कि नहीं? यस ऑप्शन एक्सरसाइज, तो मेरे जेब से कितना जाएगा? एक्सरसाइज प्राइस कितना है लिखना जरूरी है यार, एक्सरसाइज प्राइस है 485। एक्सरसाइज प्राइस यहाँ लिख कर रख लेता हूँ ताकि मैं भूलू ना, 485। तो सर लॉस है यहाँ तो? यस, कितने का लॉस है? 100 पर सेल करूँगा शेयर, सेल शेयर 0.5 शेयर, और आज शेयर का प्राइस कितना? 585 इंटू 0.5 तो ये आ गया बेटे 292.5। तो मेरे चिप्स 192.5 ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा, दिस इज कैश इनफ्लो। या पे ऑफ की बात करो सर, अगर प्राइस यहाँ लिख दूँ, आप नीचे लिख लेना मैं यहीं लिखता हूँ, अगर प्राइस 385 हुआ तो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? नहीं भाई नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स। तो यहाँ कितना जाएगा? 0। और शेयर को बेच देंगे, सेल कर देंगे, लेकिन इस बार दुख के साथ सेल करना पड़ेगा, 385 इंटू 0.5 तो ये आ गया 192.5। इसका मतलब है शेयर का प्राइस चाहे 585 हो चाहे शेयर का प्राइस 385 हो, आपका जो है वो कैश इनफ्लो इतना ही होने वाला है। अब लास्ट स्टेप मुझे काम करना है, थर्ड कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन Let assume value of call is x। आपके प्रैक्टिस मैनुअल ने P लिया है, आप x ले लो। बोलो बेटे आज आपको कितना शेयर खरीदना है? 0.5 शेयर। आज शेयर का प्राइस कितना है? 450।
ये लो, पर कुछ पैसा मिलेगा माइनस एक्स, और ये बैंक से उधार लोगे कितने साल के लिए ये देखना पड़ेगा। रेट कितना है? 10%। पीरियड कितना है? एक साल। ठीक है, तो फिर 1.10 सीधा ले लेते हैं। दिस इज कैश आउटफ्लो, और मुझे कितना मिलने वाला है? 192.50। इस इक्वेशन को मेरे ख्याल से सॉल्व कर सकते हो, इतना तो मैथ्स होगा आप लोगों का, पर फिर भी मैं खुद भी सॉल्व कर देता हूँ। 450 into 0.5, 225 ना सर? ओके भाई, 225 माइनस एक्स 192.50 डिवाइडेड बाय 1.10, तो एक्स इज इक्वल टू 50 रुपये। इट मीन्स वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन कितना आएगा? 50 रुपये। तो इस तरह से इट मीन्स मिनिमम वैल्यू आप 50 रुपये आज वसूल करोगे प्रीमियम का। तो ये क्वेश्चन, ये एग्जांपल मैंने सेट किया था ताकि आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है ना, कहीं अगर आपके पास हो तो इसको पाउज करके या तो आप फोटो ले लो ज़्यादा है, क्योंकि ये एग्जांपल आपको काम आएगा रिविजन में, और ये एग्जांपल है तो इसको भी देख लेना। इस एग्जांपल के अलावा ये सॉल्यूशन है, तीन स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, बस ख़त्म करेंगे क्वेश्चन को, और कुछ है नहीं जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, तो अब एक काम करते हैं, इस अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया वो भी देख लेते हैं। हालांकि क्लास लंबी चली गई, मुझे इतना था नहीं कि इतनी लंबी क्लास जाएगी, पर ठीक है 10 मिनट और ले लेते हैं। चलो जी क्वेश्चन पे जाते हैं। कहाँ है भाई क्वेश्चन? ये है भाई, इस अटेम्प्ट में जो आया था। हालांकि ऐसा वाला क्वेश्चन में ना मेरा ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड है, मिस्टर दयाल करके, ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, मिस्टर दयाल वाला फेमस क्वेश्चन है, बच्चों का ना डाउट ऐसे आता है सर मिस्टर दयाल वाला क्वेश्चन करवा दो, तो ये मिस्टर दयाल वाला क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और, बीच में मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, पर एक बात और समझ लो, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फटाफट से कमेंट्स में लिखो। मैं अब हर दिन आपके सामने आऊँगा, हर डेली किसी ना किसी क्वेश्चन के साथ, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के साथ डेली मैं यूट्यूब में आपके साथ में रहूँगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो आप पूछा करो कमेंट्स में, मैं आपको पक्का बताऊंगा। आ जाइए बेटे, ये क्वेश्चन एग्जाम का थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, पर है नहीं उतना, एक बार रफली पढ़ लेते हैं और थोड़ा थोड़ा लिखते चलेंगे, जो हमारे काम की चीज है तो हमको दिक्कत नहीं होगी। ए बी लिमिटेड इक्विटीशेयर प्रेजेंटली सेलिंग एट प्राइस ऑफ ₹500। तो ये तो भाई करंट मार्केट प्राइस है, जिसको हम S0 बोलते थे, 500। ये मेरे काम की चीज है, मैं लिख देता हूँ। एन इन्वेस्टर इज इंटरेस्ट इन परचेसिंग ए बी लिमिटेड शेयर। ठीक है भाई, खरीद लो। इन्वेस्टर को ऐसा लग रहा है कि 70% चांस है कि प्राइस बढ़ेगा, अच्छा 650, और 30% चांस है कि शेयर का प्राइस 450 हो जाएगा। अच्छा कितना कितना भाई? US 650 और DS 450। ओके, 3 मंथ फ्रॉम नाउ, तो पीरियड हो गया। पीरियड कैसे लिखते हैं? पीरियड 3 मंथ्स। ओके, एक्सरसाइज प्राइस कितना दिया है? 550। एक्सरसाइज प्राइस हो गया 550। ठीक है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इफ द इन्वेस्टर वांट्स अ परफेक्ट हैश, what combination of the share and option should be selected? अब यहां दिक्कत है। पहली बात, क्या बायनोमियल का क्वेश्चन है? हाँ भाई हाँ। कैसे पता लग रहा है? यहीं से पता लग रहा है, दो प्राइस दिया है मतलब बायनोमियल। ठीक है सर, अब बायनोमियल में भी तो तीन तरीके होते हैं सर, तो तीन मेथड में से कौन सा लगाना? रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच से हो सकता है क्वेश्चन, मैं नहीं करूंगा यहां। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला परफेक्ट हैज, एस परफेक्ट हैज में क्या कॉम्बिनेशन बनाया, शेयर कितना खरीदा, ऑप्शन, मतलब ये डेल्टा हैजिंग का क्वेश्चन। तो सर ये पॉइंट नंबर 1 में पूछ क्या रहा हूं, वो पॉइंट नंबर 1 में पूछ रहा है डेल्टा, कितना शेयर और कितना। ठीक है, तो सर पहले वही काम करें क्या? हाँ, पॉइंट नंबर 1 पहले कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या निकालना है, डेल्टा। पॉइंट नंबर 1,
कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा। और डेल्टा का फॉर्मूला पता है क्या? हाँ अभी तो किया सर, वैसे चेंज चेंज वाला फॉर्मूला, पर अच्छा वाला फॉर्मूला यूएस माइनस डीएस सी यू माइनस सी डी। अभी शेयर का प्राइस कितना, इसको तो कहीं लिखना पड़ेगा ना, अभी शेयर यहाँ साइड में लिख दूँ। हाँ सर, अभी शेयर का प्राइस कितना है 500। ऐसा हो सकता है, या तो हो सकता है 650, या तो हो सकता है 450। ये हो गया मेरा यूएस, ये हो गया मेरा डीएस, फटाफट से सी यू और सी डी। एक्सरसाइज प्राइस कितना है जी? 550, मतलब यहाँ आ गया 100 और यहाँ आ गया 0। ये तो वही वाला हो गया, कितना कितना था मैं भूल जाता हूँ, 650 450 650 माइनस 450 और 100 माइनस 0 तो 200 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ कितना जाएगा 0.5। तो क्या करोगे? राइट, वन कॉल ऑप्शन एंड बाय 0.5 से। अल्टरनेटिव भी क्या लिख सकते हैं? राइट, टू कॉल ऑप्शन एंड बाय वन शेयर, कोई भी एक लिख दो, क्या फर्क। चलो पहला काम तो हो गया, दूसरे पे क्या मांगा है? दूसरा ये है, बोला एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। शेयर का प्राइस चाहो तो 650 हो जाए, चाहे तो 450 हो जाए, क्या पे ऑफ प्रॉफिट आइडेंटिकल हो? यस यस यस। तो वही चीज आपको बताना है, ठीक है सर, इसके लिए भी हम तैयार हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, प्राइस अगर हो जाए 650, यहाँ की बात करो, अगर 650 प्राइस हो जाएगा तो क्या ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? हाँ, ऑप्शन एक्सरसाइज होगा। एक्सरसाइज प्राइस कितना है जी? एक्सरसाइज प्राइस 550, 650, 100 का पे ऑफ जाएगा। और सेल करोगे श्री? आधा शेयर है ना आपके पास, 0.5 इंटू 650, 325। तो ये कितना आ गया? 225। अगर शेयर का प्राइस 450 हो जाए तो दिख रहा है ऑप्शन क्या हो जाएगा? लैप्स, मतलब जीरो, हमारे पास से कुछ नहीं जाएगा। पर सेल करोगे शेयर? 0.5 इंटू 450 कितना मिलेगा? 225। किसी भी हालत में मुझे कितना मिलने वाला है? 225। चलो पॉइंट नंबर टू भी हमारा हो गया, इसके बाद क्या मांगा है? पॉइंट नंबर थ्री पढ़ो अच्छे से। इफ द रिस्क फ्री रेट 5% फॉर 3 मंथ्स पीरियड, 5% फॉर 3 मंथ्स पीरियड, इसका बच्चों को इंटरप्रिटेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है, वैसे SFM में ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। 5% फॉर 3 मंथ पीरियड, इसका मतलब क्या समझते हो? और सुनो, किसी भी टीचर ने SFM की पहली क्लास में ही सिखाया होगा 5% फॉर 3 मंथ पीरियड का मतलब 5% पर एनम। छोड़ो यार इस मैटर पे क्या बात करना, ये तो डिटेल में समझाया होगा। एक होता ना 3 मंथ पीरियड के लिए, बैंक जाती हो तो बैंक से बोलते ना, बैंक मुझे लोन चाहिए, तो बैंक क्या बोलता है? बोले अलग अलग रेट पे, आपको कम समय के लिए चाहिए कि ज़्यादा समय के लिए? मैंने कहा मतलब? बोले अगर आपको 3 मंथ पीरियड के लिए चाहिए तो 5% पर एनम, अगर 6 मंथ के लिए चाहिए तो 6% पर एनम, अगर 9 मंथ के लिए चाहिए तो हो सकता 4% पर, मतलब अलग अलग पीरियड के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो सकता, पर दिया जाता है कि पर एनम, तो ये पर एनम
ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द बिग एट द बिगिनिंग, मतलब प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है. ओके, मतलब वैल्यू ऑफ ऑप्शन पॉइंट नंबर थर्ड हो गया हमारा. कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑप्शन लिख दूं, लेट एज्यूम वैल्यू ऑफ ऑप्शन बी एक्स, सब मत लिखो, हम समझ जाएंगे. गुड बेटे, समझदार हो गए आप. तो अब क्या है, आप शेयर खरीदोगे, कितना शेयर खरीद रहे हैं, आधा शेयर खरीदा. आज शेयर का प्राइस कितना है, आज शेयर का प्राइस, शेयर का प्राइस किधर गया भाई, शेयर 500 रुपये, 500 रुपये कुछ पैसा हमको मिल जाएगा x, और फिर इसको हमें 5% पर एनम, तो थी मैथ 5 × 3/12 / 100 प्लस 11.0125 और मुझे कितना मिलने वाला, 225. बस सॉल्व करते हैं, तो ये 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 225 डिवाइडेड बाई 1.0125, तो एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी. यस 27.77 लिया, 78 ले लेता. दिस इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ये है वैल्यू ऑफ ऑप्शन. अब समझना, आज 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 मैं प्रीमियम का कितना वसूल करूंगा, आज मैं प्रीमियम का वसूल करूंगा 27 रुपीस, 27.78, यहाँ तक ठीक है. अब मैं अपनी भी दूसरे एंगल से भी बात कर लेता हूँ. इट मीन्स ये ऑप्शन, अगर मैं ऑप्शन बेचता हूँ, राइट करता हूँ, तो मैं 27 का बेचूंगा. ओके, अब मैं यहाँ, अगर मैं ऑप्शन खरीदता हूँ तो मुझे कम से कम कितने का मिलेगा, 27 का ऑप्शन मिल जाएगा. इट मीन्स मुझे प्रीमियम, ये रिसिप्ट कितने की मिलेगी, जैसे ऑप्शन सर, ऑप्शन आपको 27 रुपये में मिलेगा. गुड, यहाँ तक ठीक है. ओके, और मैंने खरीद लिया, मान लो मैंने खरीद लिया, 27 रुपये खर्च कर दिया, और आज से 3 महीने बाद, मान लो ये जो 27 रुपये की चीज़ है, 3 महीने बाद मुझे उम्मीद है कि ये जो 27 रुपये की चीज़ है, 3 महीने बाद 35 रुपये हो जाएगी, 35 रुपए, तो क्या मैं रिटर्न कमा लूंगा इस पे? हाँ, मैंने रिटर्न कमा लिया ऑप्शन पे, जो मैंने सस्ते में खरीदा था, मुझे उम्मीद है कि वो महंगा हो जाएगा, तो मुझे जो मिलेगा उसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न. और वो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए इस क्वेश्चन में आपसे अलग से पूछा है, मैं वो पॉइंट आपको दिखा देता हूं कि कहां पूछा है. ये वाला पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द ऑप्शन, ऑन द ऑप्शन बोला, ऑन द ऑप्शन, ऑप्शन पे. तो ऑप्शन आज खरीदोगे तो कितने का मिलेगा, 27. 3 महीने बाद ऑप्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है, तो अब यहां समझना बेटे, अब ये वाली चीज काम की, 70% और 30%. 650 हो सकता है, कितने परसेंट चांस है, 70%, और 30% चांस है कि ऑप्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है, 450. तो मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना पड़ेगा. हाँ सर, ये लास्ट पॉइंट. कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब कब की वैल्यू, 3 महीने बाद की. ये कब की वैल्यू है, ये है आज की वैल्यू. अच्छा, प्राइस सर यहां थोड़ा सा, हाँ यहां कुछ लिखकर, हालांकि सीधा भी कर सकता हूं. प्राइस कितना कितना हो सकता है, 650 भी हो सकता है, और कितना था दूसरा प्राइस, 450. ऑप्शन क्या यहाँ एक्सरसाइज हो सकता है, यस. और यहाँ क्या हो जाएगा, लैप्स. ठीक, पे ऑफ, ग्रॉस पे ऑफ यहाँ कितने का, ग्रॉस पे ऑफ 650 हुआ था, 100, और यहाँ 0. प्रोबेबिलिटी दिया इस बार, प्रोबेबिलिटी यहाँ कितना, 0.7, और यहाँ कितना, 0.3. ग्रॉस पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी
यहाँ जाएगा 70 और यहाँ कितना जाएगा 0। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो टेबल बनाना जरूरी है? नहीं बेटे, अगर आपका दिमाग चलता है बहुत अच्छा तो टेबल की जरूरत नहीं है, पर उतना दिमाग मेरा नहीं चलता तो मैंने टेबल बना लिया। 70 रुपये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन, इट मीन्स फ्यूचर में जो रिसिप्ट मैंने आज खरीदा था कितने रुपए का, 27 रुपए का, फ्यूचर में वो कितना हो जाएगा, 70 रुपए। तो मैं क्या मेरी रिटर्न है? हाँ, बता सकते हो मैं कितना परसेंट कितना कमाऊंगा? हाँ ये देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न 70 रुपये माइनस 27.78 डिवाइडेड बाय, बेस क्या होगा, 27.78 इंटू 100। दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये तो आता होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न 70 माइनस 27.78 डिवाइडेड बाय 27.78 इंटू 100, 151। इतना रिटर्न है, इतना तो दिख रहा है, बाकी देख लेते हैं। 151.98% ये दिखाई दे रहा है अभी मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ, ठीक है। ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, ये 3 महीने में रिटर्न कमाया है। पर एनम लिखना है कि बेटे पर एनम का है नहीं, एक्सपेक्टेड रिटर्न पर एनम बेसिस पे नहीं होता, होल्डिंग पीरियड रिटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इसे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना टाइम लगेगा। कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ लीजिएगा, व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और सुनो कोई क्वेश्चन हो या कोई कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं आ रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पक्का डेली आने वाला हूँ आपके पास। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी बच्चों, सॉरी, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट बात, और कहाँ मिस्टेक हुई होगी, आपकी गलती नहीं है, इंस्टीट्यूट की गलती। आप सुनोगे कहाँ गड़बड़ हुआ, ये मैंने अभी देखा कि सजेस्टेड में क्या आंसर दिया, सुनोगे ध्यान से। साहब एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% फॉर 3 मंथ पीरियड, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उन्होंने 3 महीने का रेट ही 5% लिया। सर लिखा तो है, हम भी तो वही बोल रहे थे। हाँ बेटे, आप पता नहीं क्यों बोल रहे थे, अगर आप ये बोल रहे हो तो फॉरेक्स में फिर ये बात नहीं बोलोगे आप, फॉरेक्स में और डेरिवेटिव में भी बाकी क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ मैं यही समझाया हूँ, और यही बात है कि जो रेट दिया है वो पर एनम बेसिस पे दिया है, फॉर 3 मंथ पीरियड, फॉर 6 मंथ पीरियड, पर रहता तो पर एनम ही है। लेकिन इस बार सजेस्टेड ने गड़बड़ कर रखा है, और गड़बड़ क्या किया हुआ है, 5% उन्होंने 3 महीने का रेट मान के क्वेश्चन कर लिया कि 3 महीने का रेट ही 5% है। हो सकता है कि इसलिए आपको नंबर ना मिला हो। सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो था, मतलब सोच रहे थे ना जब हम पढ़ रहे थे, हमको ऐसा लग रहा था कि ये 5% है। हाँ, पर जिन्होंने एक्स्ट्रा पढ़ रखा, जिन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, उनको तो बड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, उनको तो दिक्कत हुई होगी कि यार ये 5% पर रहना है करके। तो प्लीज़ जहाँ भी ऐसा है ना, एक नोट ज़रूर लिख देना कि सर ऐसा ऐसा है कि हमको समझ में आ नहीं रहा, तो ये 5% पर एनम मान के हम काम कर रहे हैं। पर फिर इंस्टीट्यूट का आंसर हमारे आंसर से मैच नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन लोगों ने क्या किया होगा, ज़रा देख लो, उन लोगों ने क्या किया होगा, ये हमारा आंसर, सिंपल सी बात है, यहाँ जो है 1.05 यहाँ 1.05 से सॉल्व कर लिया उन्होंने, तो यहाँ जाएगा 1.05, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, 225 डिवाइडेड बाय 1.05 माइनस 250, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आ गया यहाँ 35.71। किसके हिसाब से? ICAI के सजेस्टेड आंसर के हिसाब से। तो उस हिसाब से एनुअल रिटर्न भी हमारा चेंज हो जाएगा, और एनुअल रिटर्न कितना आ जाएगा देख लेते हैं, ये आ गया एनुअल रिटर्न यहाँ चेंज हो जाएगा, और यहाँ कितना जाएगा भाई, इसको काट दें, यहाँ जाएगा 35.71
35.71, इसमें चेंज हो जाएगा 70 माइनस 35.71 डिवाइडेड बाय 35.71 इनटू 100, तो ये आंसर आ गया 96% के आसपास, 96.02%। सर ठीक है, बहुत अच्छे। करना कैसे? करना तो ऐसे, सजेस्टेड में तो ऐसे दे रखा, मैं कुछ कर नहीं सकता यहाँ, मैं हेल्पलेस। सर आपके बच्चों ने ऐसा किया होगा कि मेरे बच्चों ने 96% नहीं निकाला होगा। हाँ, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा उन्होंने 96.02 निकाल दिया होगा, मतलब उन्होंने 5% मान के किया होगा। मेरे बच्चों ने तो 151.98% ही निकाला होगा और मेरे नहीं। अब पता नहीं, छोड़ो, बेकार बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ जहाँ वो फॉर 3 मंथ पीरियड इस तरह से आता ना, वहाँ एक नोट लिख दिया करो, टेंशन खत्म हो जाएगा। अब थैंक यू वेरी मच, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं।